फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बना रही हूँ मैं यहाँ खाना, और जो है सैटरडे पचन। ये आज बना रही हूँ पीलू पीली भिंडी की सब्जी, सिंपल। और मम्मी पापा के लिए है पापड़ी की सब्जी, वो सिंपल और टेस्टी है। और अभी मैं बनाऊंगी दाल। आज का मैं लेके आई थी, सो गई। सब कभी तो सोने को मिल गया यार, मैं तो क्या, मुझे जल्दी आना पड़ता है काम पे। अभी मैं दाल बना रही हूँ, सिंपल दाल। बनाते बनाते बात करूँगी आपसे। अभी तो ये इधर तो बना हो गया, चपाती बनाना है। अभी चपाती बना के फिर जाऊंगी दूसरा। देखो क्या रोज सैटरडे हो गए तो थोड़ा लेट ही आती हूँ। मैं क्या क्या बना रही हूँ, ये भिंडी बना रही हूँ पीलू के लिए, सिंपल फ्रेशा के लिए। और अभी दाल बनाने वाली हूँ। क्या हुआ तड़का, ये दाल पका के लिए अभी डालूंगी इसमें। सिंपल से दाल है गार्लिक ग्रीन चिली का, और घी में तड़का दी है, इसे टेस्ट अच्छा लगता है। नो टमाटर नो ऑनियन। तो थोड़े से ऊपर सब कुछ ये भी हो गया था। और दूसरा बनाई मैंने ये पापड़ी की सब्जी, और पोटैटो डाल के, ये भी अच्छा सिंपल और बहुत टेस्टी भाजी है। आपको मैं इसका रेसिपी ज़रूर बताऊंगी। ये खाकड़ी खाने के लिए मैं ऐसा यज्ञ करते रहते मर को डर लगता, तभी मेरा हाथ से टूट ना जाए। सुंदर है ना, इसमें चिली और इसमें हरी कलर, इसमें मूली कैरेट फिर ये भी ग्रीन चिली। अच्छा है नहीं, नया प्रोडक्शन जापान। अच्छा बन गया है, अच्छा वेट है। इसके बाद इसमें बनाने को मजा आएगा खाना। लाइक ये ना वेट है, अच्छा खासा वेट है, आप देख सकते हैं उसका ढक्कन। इधर सब बना के फिर मिलते हैं आपसे, बाय। तो
अभी मम्मी काम करके निकल गई है बाहर। क्या हुआ मम्मी, आपसे बात ही कर रही थी पर गाड़ियों का बहुत आवाज़ आ रहा था, मतलब आपको पीछे नहीं दिख रही है पर उनके आगे के सामने ना दो गाड़ियाँ थी तो उनका हॉर्न का बहुत आवाज़ था, इसके लिए मैं आपको सुनाई नहीं दिया। उसके बाद मैं घर पर आ गई थी। तो ये है मंडे, मंडे को हुआ बस मम्मी काम पर से आ रही है क्योंकि काम पर उन्हें टाइम नहीं मिला तो उन्होंने शूट नहीं किया, उसका रीज़न मम्मी बाद में आपको बता ही देंगी। और संडे के दिन हम लोगों ने फुल रेस्ट लिया और जैसे कल के वीडियो में बताया था कि हम लोग ने कुछ नहीं शूट किया, हम कुछ बाहर भी नहीं गए, कुछ भी नहीं गए, तो संडे में जो कल जो वीडियो डाला उतना ही किया था तो वो तो मैं डाल दिया। तो आज तो मम्मी अभी काम खत्म करके घर पर आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, आ गई अभी घर पे, सुबह गई थी काम पे, बज रहे हैं 2:30 आड़े बज गया है, अभी भूख लगे इतना, उधर तो काम करते करते भूख लग गई थी मुझे क्योंकि घर पे दौड़ के आई। मैं नानी क्या बनाई है, नानी ने तो कुछ बनाया नहीं, बोल रही थी कि अगर रात का चावल बचा था ये बना के लाइए, रात का चावल बचा था उसको तड़का दिया और मेरा फेवरेट बेसन पोड़ी नानी का स्टाइल का, इन्हें टमाटर ऑमलेट, ये क्या हो गया नानी भगवान मैं सबको इतना अच्छा अच्छा खिला दी, नानी मेरे को ऐसा खिला दी, क्या नसीब है मेरा। थोड़ा सा देखो तो सही, ऐसे बर्न हो गए था ये पोली, काला पोली हो गया है बेसन पोली था, अब क्या करो मेरा नसीब में यही है, ऐसे ही है ये रात का चावल बोलने वाला और ये काला पोली क्यों नहीं किया। अच्छा, नहीं बना के तब तक रुकोगे? हाँ बड़ा बड़ा वो तुम खाओ जब तक मैं बात करूँगी, पर खाएंगे नहीं कुछ भी हो। अच्छा सॉरी, वो पहला पोली फेल हो गया, अभी दूसरा बना के दे। हाँ बनाएगी बनाएगी, पता नहीं नन्नी को आज सुबह बोल रही थी कि एक्सरसाइज कर रही थी पैर में लग गए, वो वैसे भी उसको अभी काम देगा तो उसको गुस्सा आएगा, तो भी नानी प्लीज़ मेरे लिए अच्छा वाला पोली बना दे नानी। हाँ हाँ तेरा कोई भरोसा नहीं तो कुछ भी कर सकती है, तो आज तो मेरे को भूख लगी है। मैं तो अभी मैं बहुत सच ऐसा कुछ नहीं, तेरे से कहती मैं हूँ लेकिन वैसे होता है कभी, ये भी चिल्लाती है मेरे को, ऐसा नहीं कि नहीं चिल्लाती, नहीं तो क्या होगा मेरे को इतना भूख लगाना कंट्रोल नहीं हो रहा है। नहीं जल्दी से नहीं, मेरे को सच्चे में बहुत भूख लगा है क्योंकि सुबह गई थी 5 बजे को, 5 से अभी नाश्ता कभी कहीं खाती हूँ कभी नहीं खाती, और खाना तो घर पे आने के बाद अभी 8:30 बज गए, इसलिए मेरे को भूख रहा नहीं गया है, अभी मैं खा रही हूँ, फिर आपसे मिलूँगी, नन्नी बेसन पोड़ी बनाएगी फिर मैं खाऊँगी, तो ये ताओ नन्नी बात करेगी फिर बाय। तो मैंने पोली बना के दे दी थी मम्मी को, मम्मी ने खाया, वो क्यों चला था ना क्योंकि मैंने उसमें तेल कम डाला था, बेसन की पोली या मम्मी ने क्या बताया अंडा ऐसा ऑमलेट टमाटो ऑमलेट वही, उसमें तेल बहुत ज़्यादा था और मैंने बहुत कम मतलब कम डाला था, बराबर ही डाला था पर नॉन स्टिक पैन में चिपकता नहीं तो थोड़ा कम डाला तो थोड़ा बर्न हो गया, ज़्यादा तेल डाल के बनाया तो क्रिस्पी बनता है और ब्राउन बनता है, थोड़ा सा बर्न हो गया था पर वो मम्मी ने सच में आधा वही खाया क्योंकि नेक्स्ट बनने में वक्त लग रहा था, तो नेक्स्ट भी खा लिया, वो आधा खा लिया और आधा बचा मैंने खा लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पर थोड़ा बर्न हो गया था तो उसमें। और क्या हुआ सुबह में कुछ मैं स्ट्रेचिंग कर रही थी, थोड़ा एक्सरसाइज कर रही थी, तभी जो वुड का है ना हॉट रॉड उसमें जाके मेरा पैर लग गया और मेरा नेल्स टूट के आ गया, लाइक वो पिंकी फिंगर का पैर के पिंकी फिंगर का नेल आधा टूट के आधा चिपका हुआ है तो बहुत दर्द कर रहा है, उसके जो उंगली भी अभी थोड़ी सूज गई है दुख रहा है वो, और अभी मस उस पर मेरे को सर्दी भी हुई है, कल संडे था कल थोड़ा ठंडा लग रहा था, और क्या हुआ कि मैं ठंडे पानी से नहीं नहाती, मैं कभी गर्म पानी से नहीं नहाती, और अभी ठंडी के टाइम पे पानी एकदम ही ठंडा होता है तो मैं जस्ट थोड़ा सा लाइक एकदम आधा लीटर इतना सा पानी बस एक उबालती हूँ उसे और पानी में डाल देती हूँ कि वो पानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर में जाए, तो रूम टेम्परेचर के पानी से नहाती हूँ, पर कल मुझे क्या आलस आया पता नहीं और टाइम भी नहीं था और मुझे और टाइम पास नहीं करना था इसके लिए मैंने ठंडे पानी से नहा लिया, नहाते वक्त मज़ा आया सब मज़ा आया पर रात को सर्दी चढ़ा, अभी पूरा नाक बंद है, सिर भी दुख रहा है, थोड़ा गर्म भी लग रहा है, थोड़ा सा बुखार लग रहा है, ठीक हो जाएगा मेडिसिन खा लूँगी तो ठीक हो जाएगा। तो यही था आज का व्लॉग, आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।